क्या नाम है आपका? दौलत सिंह नाम मेरा। स्वागत है अभिनंदन ने चैनल में। तो दौलत सिंह भाई साहब, ये कब से कर रहे हैं आप मोती की खेती और कहाँ से ये आपने प्रेरणा हासिल की, कहाँ से ये आइडिया आया? अच्छा, ये हमने अब से 2 साल पहले शुरू किया था प्रोजेक्ट अपना, और एक बार इसकी क्रॉप जो 20 महीने के बाद मतलब हार्वेस्ट हो चुकी है, और जिसमें हमारे 26 मेंबर पार्टनर थे इसके, सभी को हमने जैसा जिसका शेयर था उसके अकॉर्डिंग मतलब हमने पेमेंट भी उनको करी, और 1 करोड़ रुपए की इसकी पेमेंट हमें मिली थी। तो सर, इसी तालाब से तो ये कितने बीघे का खेत है? ये मतलब 100 फीट और 100 बाई 50 फीट का इसका वो है। कितना बीघे का ये आपने? ये 2 बीघे का। 2 बीघे में आपने? हाँ, 2 बीघे। तो 2 बीघे के हम माने तो आपने 1 करोड़ की खेती दो साल के अंदर, 2 साल के, हाँ। यानी कि 1 साल में 50 लाख। 50 लाख। तो इसमें आप 22 पार्टनर रहे? 26 पार्टनर। तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला। मतलब जस्ट जिसने भी मतलब मान लो 1 लाख रुपए लगाए तो उसको डबल मतलब 2 लाख रुपए की उसको मिला, तो 1 लाख रुपए के मतलब 50% उसका मतलब ये रहा। आपकी और जो मटेरियल आ जाता है कंपनी कलकत्ता से, वो लेके आ जाते हैं टेक्निकल आपके जिस कंपनी से आपका कांटेक्ट हुआ है, तो सर ये कितने गहरा आपको इसमें तालाब बनाना पड़ता है, आवश्यकता कितनी होती है इसकी? जो गहराई है टोटल 12 फीट है और इसमें 10 फीट पानी हमें रखना होता है जी। तो 10 फीट के अंदर ये एक जाले के अंदर 20 सीप हैं जी, जो पानी में बोतल के नीचे तैर रही है पानी के अंदर। तो सर ये जो रोप से बंधी हुई है बोतल के उसमें ताकि वो नीचे ना, तो कितने फिट है सर उसकी? मैं बता रहा ना, उसकी जाली की लंबाई तो करीब 1 मीटर है। अच्छा, लेकिन उसके अंदर मतलब 10 फीट पानी यहाँ से नीचे है। अच्छा, लेकिन सर इस रोप के साथ में जो आपने सीप की जाली एक जाली में ये दिखाएं पैरवश, ये देखें पैरवस, ये तो 1-1 फीट पे बंधी हुई है अंकल। हाँ, ये बंधी है। पैरवस देखें जरा, थोड़ा सा जूम कर दीजिए, जहाँ जहाँ बोतल है बोतल के नीचे है, हर एक बोतल के नीचे जाली बंधी हुई तो है। तो 1-1 जाली में अंकल, ये कितनी है? 10 20 20। हाँ जी। तो पैरवस देखा आपने, तो ये एक कॉलम में 2 है और ये 1 2 3 4 10 कॉलम है इसमें। अच्छा, तो एक रोप में सर कितनी है टोटल? ये एक रोप में कितनी बोतल है? 1000। 1000 सीप। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक रोप पर। वेरी गुड। तो इसमें सर टोटल कितनी हजार है इस तालाब में? इसमें करीब 80,000 मान के चलिए। 80,000। हाँ। अच्छा। हाँ। तो प्यारवश ये देखें, ये मोती की खेती कर रहे हैं किसान जो कि धमड़े गांव से हैं, अपने आप में बहुत ही अति सराहनीय कार्य है और कहीं ना कहीं एक ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। यहाँ के किसानों के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर क्रांति आई है, लोग जुड़ रहे हैं, इनसे जुड़ना पसंद कर रहे हैं, और बहुत बड़ा कि इन्होंने अपने ग्रुप समूह बनाया हुआ है और रात दिन लगातार हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरा समूह तैयार करें, ताकि जो भी किसान इनसे जुड़ना चाहते हैं तो कम से कम वो अपना
तन मन धन लेकर यहाँ आना पसंद कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं, तो वो यहाँ से उदास ना जाएं और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक फैकल्टी के तौर पर बुलंदशहर के अंदर एक ऐसा हमारा यहाँ पर ये एक स्रोत बने प्रेरणा का कि तमाम यहाँ पर बुलंदशहर ज़िले के सातों तहसील, सातों विधानसभा में, सातों कस्बों के अंदर किसान इनसे जुड़ सकें और कहीं ना कहीं अपनी भूमि का सदुपयोग कर सकें और इस महंगाई के दौर में किसान बहुत अच्छी फसल के इसके रिजल्ट हैं तो बेहतर है कि और फसलों से भी जो जैसा आपने बताया। तो सर हम तो आशा उम्मीद करेंगे कि आप लोग और विचार विमर्श करके मंथन करके एक समूह और बनाना पसंद करें तो ताकि ऐसे किसान जिनके पास में फंड है, जगह है, तो आपकी आपके तजुर्बे से कम अपने अच्छा एक योगदान हो सकता है और बुलंदशहर ज़िला हो सकता है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी अगर ये स्टेपिंग रही तो कम से कम वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के उसमें नंबर वन पे आ जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी हम प्रयासरत हैं, हमारा प्रयत्न जारी है और अभी सितंबर के महीने में हम एक तालाब अभी और बनाने जा रहे हैं, चौथा। चलिए सर, तो उसमें जितने भी लोग हमसे जुड़ सकेंगे हम जोड़ेंगे। वेरी गुड। देखिए किसानों का मन हमेशा प्यारे, उसमें आपको बताता रहता हूँ कि बड़ा मन बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल तैयार है और इनके ग्रुप के लोग, तो प्यारे अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर।